Assalamualaikum friends, मज़ीद आगे बढ़ते हैं कुछ और सवाल प्रूफ करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है sec theta minus cos theta। फिर हम अच्छी तरह से बात जानते हैं कि हमने cos को यहाँ से जाने नहीं देना और sec को यहाँ रहने नहीं देना। sec theta बराबर होता है 1 over cos theta के। फिर एक फ्रैक्शन प्लस या माइनस के साथ आ गई, मतलब एलसीएम लेने के लिए तैयार हो जाइए। cos theta के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। cos theta और 1 का एलसीएम cos theta होता है। अब डिनोमिनेटर को एलसीएम से मैच करेंगे। cos से cos सेम है, कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, 1 एज इट इज। माइनस साइन के बाद 1 इस cos theta को कैंसिल कर नहीं सकता, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन में ये cos theta ऊपर वाले cos theta से मल्टीप्लाई होकर cos square theta हो जाएगा। फिर आप अच्छी तरह से बात जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको याद है, 1 minus cos square theta sin square theta के इक्वल होता है। क्योंकि अगर आप इस टारगेट पे पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ पर sin theta over cos theta आना चाहिए और इधर sin theta आना चाहिए और डिवाइडेड बाय cos theta। तो इस टारगेट के मुताबिक हम खुद देख सकते हैं कि हमें sin के दो टुकड़े करने हैं, यानी कि sin theta की पावर 2 का मतलब ही यही है कि दो sin theta आपस में मल्टीप्लाइंग फॉर्म है, तो हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे हम x स्क्वायर को x into x लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे हम sin square theta को sin theta into sin theta लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में cos theta as it is, और फिर आप जानते हैं कि sin theta over cos theta tan theta के इक्वल होता है, और sin theta हम as it is लिख देते हैं, और यूं ये सवाल इख्तिताम पजीर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड हम सिलेक्ट करते हैं। अब अगेन यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाने की पोजीशन में तो नहीं है, क्योंकि साइन थीटा की जगह हम फॉर्मूला लगा भी सकते हैं तो 1 और cos थीटा, जिसका कोई फायदा नहीं। तो अब जबकि हम यहाँ पर प्रॉब्लम का शिकार हैं, क्योंकि कोई फॉर्मूला हमें लगाने को मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर हमें यही काम करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। और खासतौर पर क्योंकि यह रूट है, इसलिए ये बात साफ जाहिर है कि जब भी रूट होता है तो हम रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, और रैशनलाइज करने के लिए आप जानते हैं बचपन से पढ़ रहे हैं कि हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो हमने लिख दिया अंडर रूट, यानी कि रूट के अंदर ही हम 1 माइनस साइन थीटा से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। तो ऊपर वाला 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड कर रहा है। जब दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर तो क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। जबकि इधर a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट जवाब लिख सकते हैं। जब कभी भी a प्लस बी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई होता है तो जवाब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो बिल्कुल वैसे ही जब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। और आप जानते हैं 1 के ऊपर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 के ऊपर जो पावर है वो 1 ही रहता है। नेक्स्ट स्टेप में आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करते हुए, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई करते हुए कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब जब कभी भी रूट में फ्रैक्शन होती है तो वो रूट न्यूमरेटर पर अलग और डिनोमिनेटर पर अलग अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि जब भी रूट के अंदर वैल्यूज मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फॉर्म में हो तब उन तमाम की तमाम वैल्यूज पर रूट को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। मगर अगर रूट के अंदर वैल्यूज आपस में प्लस या माइनस हो रही हो तो हम उन पर अलग अलग रूट अप्लाई नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें हमने बेसिक अलजबरा का जो कोर्स है उसमें बहुत तफसील से डिस्कस किया, और कुछ मैट्रिक क्लास की भी आप क्लासेस ले सकते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। तो यहाँ पर मैं न्यूमरेटर के ऊपर अलग रूट अप्लाई कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग रूट अप्लाई कर रहा हूँ। तो इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब हमारे पास ऊपर सिर्फ रह गया 1 माइनस साइन थीटा और नीचे हमारे पास सिर्फ रह गया कॉस थीटा। अब अगेन क्योंकि हमारे पास यहाँ दो टर्म्स हैं, इसका मतलब है कि अब फ्रैक्शन तोड़ने का वक्त आ गया, यानी कि हम ये जो दो न्यूमरेटर्स देख रहे हैं, एक 1 और एक माइनस साइन थीटा, 1 के नीचे हम अलग कॉस थीटा लिखेंगे और माइनस साइन के बाद साइन थीटा के नीचे हम अलग कॉस थीटा लिखेंगे। फाइनली अगर हम इसका टारगेट भी बनाते हैं तो हम यही लिखते कि हमें sec लाने के लिए 1 ओवर cos चाहिए जो आ चुका, हमें tan लाने के लिए sin ओवर cos चाहिए वो भी आ चुका, तो 1 ओवर cos theta की जगह हम लिखेंगे sec theta और sin theta ओवर cos theta की जगह हम लिखेंगे tan theta। और आखिर में ये एक गिफ्ट, ये गिफ्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करते हैं जहां रश लगा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास sin theta
cos theta tan theta plus sin theta cos theta cot theta. अगेन यहाँ पर भी हम अपनी उसी पॉलिसी को जारी रखेंगे, यानी कि साइन और कॉस के अलावा हम किसी और को बर्दाश्त नहीं करेंगे, साइन और कॉस को रखेंगे, बाकी सबको भगाएंगे. तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टर्म में देखें तो साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा एज इट इज, टेन थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, प्लस साइन के बाद यहाँ पर भी साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा एज इट इज, और कॉट थीटा की जगह आ जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. जब भी मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग फॉर्म में ऊपर नीचे सेम वैल्यूज आ जाए वो कैंसिल हो जाती है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी इस साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास अब इधर ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई होकर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन के बाद ये कॉस थीटा इस कॉस से मल्टीप्लाई होकर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा. ये बन गई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि 1 के इक्वल होती है, और यही सवाल प्रूव हुआ. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड.